अब जो है थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी समय बाकी है उसके हिसाब से एक प्रश्न और कर लेता हूं कि आप कहते हैं कि मैं मेरे दर्शन में देख करके और बोलता हूं, बताता हूं, समाधान देता हूं, तो वह किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से समाधान देखते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई भी महात्मा मेरे जैसा या और कोई भी महात्मा है अपने दर्शन को शुद्ध कर सके, दृष्टि को शुद्ध कर सके, तो कृपया वो क्या फॉर्मूला है, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि, उसकी कोई प्रेरणा हो बताइए। जी धन्यवाद। बहुत सहज और सरल प्रश्न है कि हम कोई भी प्रश्न का उत्तर सोच के नहीं बताते हैं, देख के बताते हैं। और वो बताते हैं, ऐसा बोलते हैं, मगर हम कंट्रोल नहीं है। जैसा दिखता है वैसा निकल जाता है, फिर दिखता है, फिर सोचते हैं, फिर उत्तर देता है। ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो निकल जाए, ऑटो मोड है। आपका प्रश्न दिखना और उत्तर निकलना, ये तीनों क्या है? ऑटो मोड है, कोई चॉइस नहीं है। मगर एक कैसे संभव है वो मैं बताना चाहता हूं। ये दर्शन मैच्योरिटी वाला लेकर आया हूं और ये भाषा भी लेकर आया हूं, और आपके प्रश्न जो आप मेरे को पूछते हैं वो भी हिसाब में लेकर आया हूं। तो तीनों अवस्था जो है वो ऑटो मोड अभी हो रही है, और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी को उत्तर देने के लिए कोई टेंशन नहीं होता है कि अभी क्या प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये प्रश्न भी ऑटो मोड है, दिखता भी ऑटो मोड है, उसका उत्तर निकलता भी ऑटो मोड है। हमको तो ऑब्जर्व करना है कि ये फिल्म चल रही है। और इसीलिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सोच के उत्तर देता हूं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर वो कोई व्यक्ति सोच के उत्तर देती है ऐसा बोलते हैं, तो भी उत्तर वही निकलेगा जो इसका हिसाब होगा। इसमें सोचना न सोचने की बात नहीं है। मतलब व्यवहार से बोल सकता है कि मैं सोच के उत्तर देता हूं, बोल सकता है, उसमें कोई गलती है ऐसा आप नहीं कहेंगे। मगर जो भी भाषा के आधार से व्यक्त होगा वो अपने कर्मों के हिसाब ही होगा, और उसका सामने वाले के ऊपर यही रिएक्शन होगा जो होने वाला है हिसाब के आधार से। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है तो कोई चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है, अभी मैं बताता हूं कि दर्शन कैसा मैं लेकर आया हूं पिछले अवतार में। ये दर्शन का उपयोग करते करते करते, अज्ञान को नाश करते करते, मैच्योर विजन बना के लेकर आया हूं। तो अभी विजन ही मैच्योर है, तो मेरे लिए विजन को मैच्योर बनाना नहीं है, मैच्योर वाला ही है। तो कोई भी बात करूंगी तो एंगल ही वही जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे को मैच्योरिटी हो गई है। आपका प्रश्न कोई भी लेवल का होगा चारों ओर का, मगर सेंटर पर मेरा वही रहेगा, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं, मेरा विजन में मैच्योरिटी है कि आखिर जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है, तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं। और कुदरती रचना से बाहर है तो वो मैं शुद्ध आत्मा। तो इसी प्रकार से आपको भी या किसी को भी अगर इस प्रकार का दर्शन बनाना है तो उपयोग करते 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 अपने दर्शन को मैच्योर करो, इतना सहज करो कि विदाउट एफर्ट आपको उपयोग रहे कि यह कुदरती रचना है और मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसके लिए एफर्ट भी नहीं करना पड़े, इतनी मैच्योरिटी अगर आ जाएगी तो वो दर्शन फिर ऑटो मोड काम करेगा। जहां तक नहीं होगा वहां तक तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भले भले पुरुषार्थ करते समय कभी रहे कभी ना रहे, कभी रहे कभी ना रहे, कोई बात नहीं, वो छूट गया, देखने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास कैसे हम रख सकते हैं उतना ही होना चाहिए, कितना छूट गया वो भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो बस, दैट्स इट। एंड ट्राई टू मैच्योर योर विजन एज अ कुदरती रचना विद कुदरती कानून। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहोगे तो मैं समझता हूं आपका भी दर्शन मैच्योर होगा, ऑटो मोड से काम करेगा, और नेक्स्ट बर्थ में वही मैच्योर विजन आएगा जो ऑटो मोड काम करेगा विदाउट एफर्ट। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस एपिसोड की संपन्नता पर जो आपने उद्बोधन दिया,
मैं ये समझ पाया कि विजन एक कैमरे की तरह है। उस कैमरे के अंदर जो है हम अपने जो ज्ञान दर्शन है, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काय से मुक्त हूं, ये फिट कर दो। और ये वो जन्म जन्मांतर के अंदर यही फिट होता रहे तो ये मैच्योर्ड हो जाएगा, क्योंकि जब कैमरा एक ही चीज बताता रहेगा तो वो मैच्योरिटी हो जाती है। तो उस मैच्योरिटी को डेवलप करने का आपने बहुत अच्छा हमको बताया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, आप प्रश्न बराबर करते रहिए, जिज्ञासा करते रहेंगे तो आपकी सब गुत्थियां हल होती रहेगी। स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।